Okay, dear students, let us discuss about the rays used for the image formation by spherical mirrors. स्पेरिकल मिरर से जो हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो उससे कौन कौन सी रेज इस्तेमाल की जाती है, ठीक, क्योंकि जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन होगा दो रेज का वही इमेज बनेगी, पहली बात तो ये होती है, ठीक। आइदर दे मीट एक्चुअली और दे अपीयर टू मीट, जहां एक्चुअली मीट होगी वहां रियल इमेज, जहां अपीयर टू मीट वहां वर्चुअल इमेज। चलिए आइए, तो सबसे पहली इमेज क्या बनी, ये जो भी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, the ray which is parallel to the principal axis after reflection through concave mirror, ये आपका concave mirror है और ये क्या है convex mirror, they passes or they appears to pass through focus, ये principal axis के parallel आई, ये actually focus से pass हो गई, ये converge हो गई, ये diverge हो गई, it appears to pass तो फोकस, द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस और अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। दूसरा बिल्कुल इसका वाइस वर्सा है, इसका क्या है, द रेज पासिंग और अपीयर्स टू पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे आपकी फोकस से लग रहा है कि पास होती है या फोकस से एक्चुअली में पास हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ हो गई, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद, ये कॉनकेव है और ये कॉनवेक्स, बट ये इसका बिल्कुल वाइस वर्सा हो गया, यानी द रेज विच आर अपीयर्स टू पासिंग और पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब भैया तीसरी रे कौन सी है, द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग या फिर इसमें भी कह सकते हैं अपीयर्स टू पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक, यानी जो भी रे आपने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक्चुअली पास होगी, जैसे पोल है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक्चुअली पास होगी, ठीक, या जो लगेगा कि अपीयर्स टू पास होगी, ये यहां गई जैसी गई वैसी वापस आ गई, ठीक, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है या लग रही है कि पास होती, वो अपने पाथ पर वापस लौट आती है, द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां तो एक्चुअली पास हो रही है और यहां क्या हो रही है अपीयर्स टू पास, उसको वापस बैक में डाल दो, ठीक, द रे इज पासिंग और अपीयर्स टू पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ, और ये रिट्रेस क्यों करती है, बिकॉज दे फॉल्स नॉर्मली, नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलरली ऑन द स्फेरिकल मिरर्स, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो स्फेरिकल मिरर पर परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज इक्वल टू जीरो डी, ठीक। चौथा केस क्या भी है, डी पार्ट, ये भी इस्तेमाल कर ली जाती है, the ray falling on the pole suffers reflection, जो भी ray pole पर गिर रही है उसमें क्या होता है, simple reflection होता है, ये ray अब pole पे आ रही है, ये ray टकराई वापस चली गई, क्योंकि principal axis कहां से pass करती है, center of curvature, ये नॉर्मल की तरह काम करेगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई आखिरकार प्रिंसिपल एक्सिस भी तो कहां से पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कॉनकेव के लिए हो गया, ये कॉनवेक्स के लिए डाइवर्ज होगी, ये एंगल आई एंगल आर, ठीक।
the image formation by spherical mirrors. स्पेरिकल मिरर में भी सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में दो केस हैं, पहला व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जहां ऑब्जेक्ट कब है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी। तो ये आपने कन्वेक्स मिरर बना दिया, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, पहली रे इस प्रोसेस के पैरेलल गई डाइवर्ज हो गई, ये रिप्लेस प्रोसेस के पैरेलल गई दोनों डाइवर्ज हो गई, ये और निकाल दी ये भी डाइवर्ज हो गई, ये निकाल दी ये भी डाइवर्ज हो गई, एंड दे ऑल विल अपीयर्स टू पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट दैट इज व्हाट फोकस। इमेज कैसी बनी, टाइनी बनी, कहां पे पोजीशन कहां उसकी, एट फोकस, एट फोकस, फोकस आई बन रहा है, ठीक है। नीचे कैसा है इमेज का, क्योंकि पहले बताओ रे एक्चुअली मीट हो रही है कि अपीयर टू मीट हो रही है, अपीयर सी है, अपीयर दे अपीयर टू मीट, द इमेज इज व्हाट वर्चुअल इरेक्ट, तीसरा साइज कैसी बनी, टाइनी साइज, इन फ्रंट ऑफ मिरर कहीं भी किसी भी पोजीशन पे ले सकते हैं, भैया आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने ही रखा, ऑब्जेक्ट को हमेशा अपने स्पेसेस से ऊपर रखते हैं, तो पहली रे स्पेसेस के पैरेलल जाएगी कहाँ से पास होगी, फोकस, दूसरी पोल पे गई एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इस रे को पीछे एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि ये दोनों ये भी देखिए डाइवर्जिंग है, ये भी डाइवर्जिंग, रिफ्लेक्टेड रे वन रिफ्लेक्टेड रे टू दोनों डाइवर्जिंग है, तो ये इमेज यहाँ इमेज, ये फोकस है, ये पोल है, इमेज कहाँ बनी, बिटवीन पोल एंड फोकस, यस, तो ये पोजीशन जाएगा क्या, कहाँ बनती है हमेशा, पोल एंड पोल एंड फोकस, पी एंड एफ कैसी बनी, वर्चुअल इरेक्ट, तो नेचर वही आ जाएगा आपका क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड छोटा साइज होता है, डिमिनिश्ड कैसा बनता है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए इन फ्रंट ऑफ मिरर, इमेज हमेशा कहां बनेगी, फोकस और पोल के बीच में, ठीक, कहीं भी इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं भी आगे पीछे करते रहिए, इमेज हमेशा बीच में गए, बिल्कुल बीच में नहीं, मतलब उसके बीच में कहीं लाई करेगी, इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन लाई करेगी, ठीक है बेटा। और दूसरा केस देखा है, इन बिटवीन रखेंगे, नोट करेंगे इसको।